हेलो स्टूडेंट, आई मोहम्मद साकिब आसमी, योर बायोलॉजी टीचर। तो स्टूडेंट, अभी तक हमने इस चैप्टर में, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज वाले चैप्टर में, अब तक कम से कम 12-13 लेक्चर हम अपलोड कर चुके हैं ऑलरेडी, और हमने इनको अच्छे से पढ़ भी लिया। तो एनसीईआरटी में आपकी जो बुक है उसमें जितनी भी बीमारियां अब तक जो दी गई हैं, हमने उन बीमारियों को पढ़ा, उनके ट्रीटमेंट को भी समझा। तो याद रखें, ट्रीटमेंट इज इम्पोर्टेंट बट प्रिवेंशन इज मच बेटर देन ट्रीटमेंट। कि आप तो अगर प्रिवेंशन के बारे में बात करें तो ऑलवेज प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। इस चीज़ के बारे में आपने सुना ही होगा कि आप बीमारियों का से बचाव बीमारियों के इलाज से कहीं ज़्यादा बेहतर है। अभी तक हमने जो बीमारियां पढ़ी है वो हमने क्या देखा है कि बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई और प्रोटोजोवन वॉर्म से होने वाली बीमारियाँ हैं, और इन बीमारियों से अगर आप बचना चाहते हैं तो 2-3 मेथड तो आपको यूज़ करने ही पड़ेंगे। कौन कौन से मेथड है मैं उनके बारे में बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपको हाइजीनिक होना पड़ेगा। फर्स्ट आपको क्या होना पड़ेगा, आपको अपनी हाइजीन को मेंटेन करना पड़ेगा। हाइजीन मेंटेनेंस। सेकंड, देखो बहुत सारे, क्योंकि हाइजीनिक अगर हम नहीं है, अगर हम बीमारियों से, जैसे अब अगर हम इन हाइजीन के बारे में, अभी मैं इसके बारे में बता दे रहा हूँ सारी चीजों के बारे में। दूसरा तो आप देखो, बहुत सारी बीमारियां वेक्टर्स की वजह से होती हैं, उनको भी कंट्रोल करना जरूरी है। वेक्टर्स कंट्रोल, तो हमें वेक्टर को भी कंट्रोल करना पड़ेगा। और तीसरी जो चीज है वो है जो वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम होते हैं, इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, इनको इग्नोर नहीं करना है। तो तीन मेथड है जिनसे आप जो बीमारियां हैं उनको कंट्रोल कर सकते हैं। जो इन्फेक्शन है, जो हमने बीमारियां पड़ी हैं, उनको आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो हम यहां पे अगर टॉपिक के बारे में बात करें तो आज का जो टॉपिक है वो टू कंट्रोल इन्फेक्शंस और डिजीज। जो भी हम बीमारियां और इन्फेक्शंस के बारे में पढ़ रहे हैं उनको कंट्रोल करने के, उनको किस तरह से कंट्रोल किया जाए उसके बारे में हमें बात करनी है। तो वेक्टर्स को कंट्रोल करना, हाइजीन को मेंटेन करना, वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन जो प्रोग्राम होते हैं इनमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना, ये कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको बहुत सारी बीमारियों से बचा सकती हैं। ओके, तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हाइजीन मेंटेनेंस को लेकर। देखो, हाइजीन का मतलब हमें तो हाइजीनिक होना पड़ता है। लगभग जो बीमारी चल रही है कोविड-19 की, लगभग 1.5-2 साल हो गए, लोग परेशान हैं। कोई कह रहा है कि सैनिटाइजर का यूज़ किया जाए, कोई कह रहा है कि हमेशा दिन भर में इतनी बार हाथों को धुला जाए, तो बार बार ये किया जाए, ओके, बहुत सारी चीज़ें, मास्क लगाई जाए। तो ऑफकोर्स ये सारी चीज़ें उसी से रिलेटेड है। आपको पहले तो आप हाइजीनिक नहीं थे, बट आप आज हाइजीनिक हो गया, काफ़ी सुधार हुआ है लोगों में, लोगों ने इसको थोड़ा सीरियस लेना शुरू कर दिया, चीज़ों को धुल के खाना, ये सारी चीज़ें। देखो, दो चीज़ें हैं, आप हाइजीन को दो तरीके से मेंटेन कर सकते हैं। एक तो आप पर्सनल हाइजीन को आप मेंटेन करिए, पहली तो चीज़ होगी आपको पर्सनल, आप खुद हाइजीनिक होइए, आपकी पर्सनल हाइजीन मेंटेन होनी चाहिए। दूसरा आपका क्या होगा, आपका जो कम्युनिटी हाइजीन होता है, या फिर हम उसको आपकी जो बुक में लिखा हुआ वो पब्लिक हाइजीन लिखा हुआ है, तो दूसरा आपका पब्लिक हाइजीन के बारे में। तो हमें दोनों हाइजीन को मेंटेन करना है। पर्सनल हाइजीन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो पर्सनल हाइजीन को आप कैसे मेंटेन कर सकते हैं। तो पहला इसमें हो गया, आप अपनी बॉडी को हरदम क्लीन करें, क्लीनिंग ऑफ बॉडी, ऐसे लिख देते हैं, बॉडी को क्लीन करें। क्योंकि देखो बहुत सारी बीमारी होती है, जैसे गर्मी है, इस टाइम गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, बार बार बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है, कपड़े भीग जा रहे हैं, तो आप एक कपड़े को बार बार ना पहने, मतलब आज जो आपने पहना हुआ है उसको कल ना पहने जब तक आप उसे धुल ना लें, या फिर कम से कम 2 बार आप ज़रूर नहा लें। तो ये आप अपनी बॉडी को क्लीन करें, ब्रश करें प्रॉपर, ये सारी चीज़ें ये उसमें आ जाता है। दूसरा, जब भी वाटर का आप यूज करें वो पोर्टेबल वाटर या क्लीन वाटर हो, नहाते टाइम भी और ड्रिंकिंग के टाइम भी, तो पानी जब पी रहे हो तभी आप क्लीन वाटर को यूज करें। और उसके बाद फूड के बारे में, फूड पे अगर मक्खियां बैठ रही है तो आप फूड ना खाएं, वेजिटेबल है इनको धुल के खाएं, है ना, फ्रूट है इनको धुल के खाएं। अभी जैसे इस टाइम में मैंगो का टाइम चल रहा है, आम का सीजन चल रहा है, और जो लोग जाते हैं बागों में जाते हैं, तो वहाँ से आम तोड़ते हैं, वो धुलते भी नहीं है ठीक से, और उनको खाना शुरू कर देते हैं, जामुन जमीन पे गिरी हुई उसको उठा के मुंह में डाल देते हैं।
तो इन सारी चीजों से बचा जाए। ये तो आपके पर्सनल हाइजीन से रिलेटेड है, मैं बहुत ज्यादा चीजों को लंबा नहीं करना चाहता क्योंकि ये चीज इसे जितनी जल्दी से जल्दी खत्म किया जाए उतना अच्छा होगा। ओके, ये हो गया। दूसरा, हम पब्लिक हाइजीन को कैसे मेंटेन करें? ऑफ कोर्स हमें मालूम है हमारी जो हेल्थ है वो अफेक्ट होती है हमारे जो सराउंडिंग है उससे, तो जरूरी नहीं कि अगर हम 100% हाइजीन है, हमने अपनी हाइजीन को मेंटेन रखा हुआ है, हम प्रॉपर क्लीनिंग बॉडी को क्लीन कर रहे हैं और क्लीन वाटर को ड्रिंक कर रहे हैं, फूड वेजिटेबल और फ्रूट्स को अच्छे से धुल के खा रहे हैं, साफ पानी से धुल के खा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप बीमार नहीं होंगे। देखो, पब्लिक की जो हेल्थ होती है वो अफेक्ट होती है सराउंडिंग से भी, हमारी हेल्थ अफेक्ट होती है सराउंडिंग से भी। अगर हमने बहुत अपने घर को बहुत साफ रखा हुआ लेकिन बगल में एकदम बड़ा सा एक लैंडफिल बना के रखा हुआ, कचरा वहाँ पे फेंका जा रहा है, गंदगी फेंकी जा रही है, तो ऑफकोर्स वो आपकी बॉडी को अफेक्ट करेगा, बहुत सारे वायरस और बैक्टीरिया उस एयर में प्रेजेंट होंगे, आपको बीमार कर सकते हैं। अकेले आपके सही होने से, आपके हाइजीनिक होने से कोई खास फायदा नहीं होने वाला। अभी हम बात करें तो पहली चीज़, पब्लिक हाइजीन को आप कैसे मेंटेन करें? देखो, सबसे पहले आप ये याद रखें कि जो भी एक्सक्रीटा होता है, जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है, टॉयलेट होती है, यूरिन होता है और घर से निकलने वाले गार्बेजेस और वेस्ट होते हैं, उनको उनका प्रॉपर डिस्पोजल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उनका प्रॉपर डिस्पोजल हो। दूसरी चीज़, कुछ चीज़ें जैसे जहाँ पर पानी इकट्ठा हो रहा हो, जैसे टैंक का हम पानी पीते हैं, जहाँ से पानी आ रहा हो वहाँ पर उसको डिसइंफेक्शन किया जाए, उसको प्रॉपर क्लीनिंग, एक पीरियडिक क्लीनिंग किया जाए, मतलब कि एक टाइम टाइम पे क्लीन किया। अब कहीं से पीने का पोर्टेबल वाटर आ रहा है, अब वहाँ का वाटर सबके पास जा रहा है, सारे लोगों के पास जा रहा है, एक बड़ा सा टैंक लगा हुआ है, उस टैंक को साफ किया जाए, टाइम टाइम पे उसको साफ करते रहना चाहिए ताकि लोग बीमार ना पड़े। ओके, तो दो तरीके से आप पब्लिक हाइजीन को भी मेंटेन कर सकते हैं। पहला, इसमें मैंने क्या बताया, पहला मैंने बताया कि प्रॉपर डिस्पोजल होना चाहिए ऑफिस, प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट एंड एक्सक्रीटा। सेकेंड, मैंने इसमें क्या बताया कि जो पीरियोडिक क्लीनिंग, एंड डिसइंफेक्शन ऑफ रिजर्वोयर एंड टैंक, तो टैंक और जो रिजर्वोयर, ये सारी चीजें जहां पे पानी इकट्ठा होता है, जहां से पानी आपको भेजा जाता है, उन सारी चीजों को भी क्लीन रखना बहुत ही जरूरी है। तो ये तो हमारा हो गया हाइजीन को लेकर, तो अभी तक हाइजीन को मैंने समझाया, अब हम बात करते हैं वेक्टर्स के बारे में कि वेक्टर्स को कैसे okay, स्टूडेंट तो अब हम बात करते हैं किसके बारे में कि वेक्टर्स को कैसे कंट्रोल किया जाए। सेकंड जो मेथड है डिजीज को कंट्रोल करने का, वो वेक्टर कंट्रोल के बारे में कि वेक्टर को अगर हमने कंट्रोल कर लिया तो बहुत सारी बीमारियों को कंट्रोल कर लिया। जैसे हमें पता है कि वेक्टर कौन कौन से आपकी बुक में दिए हुए हैं, वाटर, एयर एंड इंसेक्ट, और भी बहुत सारे वेक्टर्स हैं, बट जो एनसीईआरटी में दिया हो मैं उसको बता रहा हूँ और बहुत ज़्यादा बाहर निकलना नहीं है। देखो, अब वाटर से कौन कौन सी बीमारियाँ होती है, अगर आपने प्रॉपर ड्रिंक वाटर, आपको पोर्टेबल जो आपका जो वाटर है वो बहुत ज़्यादा क्लीन नहीं है, वो कंटामिनेटेड है, तो फिर आपको पता है कि कौन कौन सी बीमारियाँ हो सकती हैं। तो आपको वाटर की वजह से जो बीमारियाँ होती है वो टाइफाइड हो गया, डिसेंट्री हो गया, डायसेंट्री हो गया। उसके अलावा आप अगर देखें अमीबियासिस, तो इस डिजीज के बारे में भी, तो ये सारी बीमारियां किससे फैलती हैं, वाटर से। तो वाटर को क्लीन रखें, वाटर अगर आपका क्लीन है तो फिर आप उस डिजीज से आसानी से, इन सारी डिजीज से आसानी से बच सकते हैं। नेक्स्ट आपका हम बात करते हैं एयर के बारे में। देखो, बहुत सारे एयर से फैलने वाली बीमारियां, जैसे एयर के लिए हमें मालूम है इनके जो जो डिजीज है, जैसे हम अगर बात करें न्यूमोनिया के बारे में, न्यूमोनिया एंड कॉमन कोल्ड,
तो इन बीमारियों के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो जो आपकी कंटेमिनेटेड एयर होती है या फिर पोल्यूटेड एयर होती है वो इन सारी बीमारियों के रिस्पॉन्सिबल है। तो आपका वाटर एंड एयर, तो इन दोनों चीज़ों को अगर आपने प्रॉपर एयर जो है आपने उसको मैनेज करके रखा हुआ है कि वहाँ पे आपका सिर्फ बहुत अच्छा प्लांटेशन आपने कर रखा हुआ है, आपकी एयर क्लीन है, वहाँ पे आपने बहुत सारे ज़्यादा गार्बेजेस इकट्ठा नहीं कर रखे हैं, तो आपकी एयर ऑफकोर्स क्लीन रहेगी। वाटर है, आपने उसको क्लीन वाटर को आप ड्रिंक कर रहे हैं, बहुत सारी बीमारियों से बच सकती है। तो इनसे बचने के लिए इन दोनों वेक्टर्स को कंट्रोल करना ज़रूरी था। और लास्ट जो आपका इंसेक्ट को कंट्रोल करने के बारे में हम बात करें, अगर हम इंसेक्ट कंट्रोल करने के बारे में बात करें तो बहुत सारी बीमारियां इंसेक्ट से होती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जैसे आपके एनसीईआरटी ने दो बीमारियां दे रखी है, तो एक तो आपका मलेरिया है, दूसरा आपका एलिफेंटियसिस। मलेरिया के बारे में पता है, एलिफेंटियसिस जिसको फिलेरियासिस भी बोलते हैं, इसको फिलेरियासिस भी बोलते हैं। अब जैसे मलेरिया जो है वो फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो से फैलता है, और फिलेरियासिस या एलिफेंटियासिस ये फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो से फैलता है। तो इन दोनों को अगर कंट्रोल करना है तो आप वेक्टर्स को कंट्रोल करें। कौन से वेक्टर को? इंसेक्ट को। इंसेक्ट को अगर आपने कंट्रोल कर लिया, इंसेक्ट वाले वेक्टर्स को आपने कंट्रोल कर लिया, तो फिर आप बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। पहली तो चीज़ इसमें क्या है कि आप स्टैग्नेंट वाटर को अवॉइड करें, मतलब कि एक ऐसी जगह जहाँ पे वाटर इकट्ठा हो रहा है, गंदा पानी इकट्ठा हो रहा है, उसको उस पानी को आप रुकने ना दें, क्योंकि पानी रुकेगा फिर वहाँ पे जो होंगे ये इनको प्रॉपर इन्वायरमेंट मिल जाएगा, ये वहाँ पे तेज़ी से मल्टीप्लाई करेंगे जो आपके मॉस्किटो होते हैं। दूसरी चीज़ होती है कि आप मॉस्किटो नेट्स का यूज़ करें, जो आपके घर में कूलर रखा हुआ है उसमें जो पानी इकट्ठा हुआ है पानी को बार बार आप चेंज करते रहें। एक चीज़ और है, एक फिश होती है, उस फिश का नाम है गैम्बूसिया फिश। जो तालाब होते हैं, आपने तालाबों में देखा होगा, तालाबों में काफ़ी टाइम तक पानी इकट्ठा रहता है, धीरे धीरे वहाँ पर जो मॉस्किटो होते हैं उनके एग होते हैं, एग से लार्वा निकलते हैं, बच्चे जो होते हैं लार्वा बोलते हैं उनको, वो लार्वा निकलते हैं, फिर वो लार्वा जब बड़े होते हैं तो फिर मॉस्किटो बनते हैं। अगर हम इस गैम्बूसिया फिश को उस पॉन्ड में डाल दें, उस तालाब में डाल दें, ये गैम्बूसिया फिश जहाँ पे होती है ना, ये किस पे फीड करती है? ये उनके बच्चों पे, मतलब उनके लार्वा पे फीड करते हैं, जो मॉस्किटो के लार्वा होते हैं उनको खाती है। अब जब ये उनको खाती है तो काफ़ी हद तक उसको कंट्रोल कर लेती है। तो ये चीज़ याद रखें, अगर इनको कंट्रोल करना है तो आप गैम्बूसिया फिश का यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे पेस्टिसाइड्स आते हैं, बहुत इंसेक्टिसाइड्स आते हैं, इंसेक्टिसाइड्स का यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारे जो चीज़ें हैं आप इनसे आप उस मतलब इन बीमारियों को कंट्रोल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मलेरिया, एलिफेंटियसिस, डेंगू। क्यों ना, क्योंकि डेंगू और आजकल चिकनगुनिया जैसी बीमारियां पिछले कुछ टाइम से इतनी तेज़ी से फैली है, इसीलिए ये इनका कंट्रोल इनको कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि इन्होंने जितनी तेज़ी से ये फैली है पूरे इंडिया में, जितनी तेज़ी से ये फैली थी, जितना नुकसान इन्होंने किया, उस हिसाब से इनको कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, बहुत एसेंशियल। ओके, अब जो लास्ट पॉइंट आता है उसके बारे में अगर हम बात करें, वो आपका आता है वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के बारे में। देखो, वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज के टाइम पे, जो COVID-19 के वैक्सीन लग रहे हैं। बहुत सारे र्यूमर फैलाए जा रहे हैं कि इससे स्टेरिलिटी में प्रॉब्लम आ सकती है, मतलब कि वो आपके फर्टिलिटी में प्रॉब्लम आ सकती है, और कुछ लोग कहते हैं कि मैग्नेट वाली पावर आ जाती है। तो एक्समैन मूवी देखना बंद करिए, ये एक्समैन मूवी नहीं चल रही है, ये रियल लाइफ है। बीमार हो जाएंगे, डेथ हो जाएगी, कुछ नहीं रहेगा, कुछ नहीं बचेगा आपके पास। तो बेहतर है इन बीमारियों से बचने के लिए जो प्रोग्राम चल रहा है, वैक्सीनेशन का जो प्रोग्राम चल रहा है, उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए। जैसे आजकल लोग देख रहा हूँ स्टेटस पे लोग लगा रहे हैं, वो अपने सर्टिफिकेट को लगा रहे हैं कि मुझे वैक्सीन लग गई है, उस सर्टिफिकेट को लोग लगा रहे हैं। तो ऑफकोर्स सर्टिफिकेट वाले वैक्सीन, वो सर्टिफिकेट को लगाइए, आप अपने स्टेटस पे लगाइए, आप अपने DP पे लगाइए, बट वैक्सीनेशन जरूर कराएं सारे लोग। वैक्सीनेशन इसलिए इंपॉर्टेंट, देखो वैक्सीनेशन से बहुत सारी बीमारियों को इरेडिकेट किया जा चुका है। जैसे एक टाइम हुआ करता था लाखों लोगों की जान गई थी किस बीमारी की वजह से, जो आपका स्मॉल पॉक्स आती है उसकी वजह से लाखों लोगों की जान गई। तो फिर उसके बाद जब उसका वैक्सीनेशन किया गया, कम्प्लीट उसको इरेडिकेट किया गया। फिर अगर हम बात करें पोलियो के बारे में, पोलियो का वैक्सीनेशन स्टार्ट हुआ, उसको भी इरेडिकेट किया। न्यूमोनिया है, और उसके अलावा डिप्थीरिया, ये सारी बीमारियों पर भी काफ़ी हद तक कंट्रोल किया गया। किस चीज़ से
वैक्सीनेशन से कंट्रोल किया गया है। तो वैक्सीनेशन को अच्छे से समझे और वैक्सीनेशन क्यों इम्पोर्टेंट है ये आपको इसके बारे में समझना पड़ेगा। ओके, तो वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन जो प्रोग्राम है उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, वेक्टर्स को कंट्रोल करें, हाइजीन लेवल को अपने मेंटेन रखें, अपने हाइजीनिक हो जाए, और इस तरीके से आप बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। तो आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई। ये अभी तक का 14वां लेक्चर है, इस लेक्चर को आप लोग समझिए। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, और अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को। तो आज के लेक्चर बस इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वाला लेक्चर मिलने। थैंक यू सो मच।